20 तरह के पिज्जा है आपके पास। बात के अंदर ऐसा पिज्जा कभी नहीं खाया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और मैं अभी आया हूँ फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में बालाजी पिज्जा कैफे करके इनका स्टॉल है। भाभी नमस्ते, कितने प्रकार के पिज्जा बनाती हैं आप? 20 तरह के पिज्जा हैं आपके पास। मेन्यू वगैरह देख सकता हूँ मैं आपका? तो इनके यहाँ 20 तरह के पिज्जा हैं और काफ़ी प्यारा मेरे को इनका स्टॉल लगा। रात में लाइट वगैरह भी जलती है इनके यहाँ। और देख सकते हैं आप काफ़ी पिज्ज़ा है। कितने से स्टार्टिंग है? 80 रुपये से और 200 तक का इनका चीज़ पिज्ज़ा लास्ट, ये 200 तक भी है। तो कब से लगा रही हैं भाभी आप ये स्टॉल? 1 महीना हो गया। 1 महीना अभी स्टार्ट किया है? तो 1 महीना हो गया है गाइस, अभी स्टार्ट किया है। आपको मैं दिखा देता हूँ, जो कि सामने से स्टॉल है वो ये है और पूरा लाइट जलता है। इधर इनका नंबर भी है, आपको अभी ऑर्डर वगैरह करना है तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। और लगवाते हैं एक पिज़्ज़ा अपने लिए और ट्राई करते हैं इनका पिज़्ज़ा। तो कौन सा पिज़्ज़ा आपका फेमस है सबसे ज़्यादा यहाँ पे? नहीं, वैसे कौन सा जो कस्टमर ज़्यादा प्रोवाइड करता है उस पिज़्ज़ा कौन सा चल रहा है आपके यहाँ अभी? बटर पनीर, ये है मटर पनीर वेजिटेबल पिज़्ज़ा जो कि इनके ज़्यादा चलता है, कस्टमर ज़्यादा मांगता है, तो इसी पिज़्ज़ा को हम लगवाते हैं। तो गाइस भाभी अपने हाथ का बेस बना के लाती हैं तो उसी पे अपना पिज़्ज़ा लगवाएंगे, क्योंकि हाथ का बेस होगा तो मज़ा अलग ही आएगा। तो हाथ के बेस पे लगा देंगे, हाथ का बेस बना हुआ है और इसी पे अब ये पिज़्ज़ा तैयार करेंगी। ये पहले क्या आ गया इस पे? पास्ता सॉस। पास्ता सॉस। और ये क्या है? मेयोनीज। ये प्याज है। ये प्याज आ गई। टमाटर। ये टमाटर आ गया। ये शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च आ गई। ये मसाला आ गया। कौन सा मसाला होता है ये दीदी? ये चिल्ली फ्लेक्स वाले ही होते हैं, दोनों में मिला दोनों मिक्स है, चिल्ली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। ये चीज आ गया। ये चीज है वो की है। भरपूर मात्रा में चीज़ आ गया है इसके अंदर। फिर चीज़ आने के बाद तो फिर टेस्ट अलग ही आता है। ये ऊपर से एक्स्ट्रा चीज़ और आ गया है। इतना सारा चीज़, ये पनीर आ गया इसमें। ये क्या आ गया भाभी? मटर। मटर आ गया। ये गया ओवन में। कितना टाइम लगता है इसमें तैयार होने में पिज्जा को? कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट। ओवन गर्म होता तो 5 मिनट लगती है, नहीं तो 10 मिनट। ये पिज्जा तो 1 महीने से स्टार्ट किया है, इससे पहले भी कोई काम चल रहा था क्या आपका? हाँ, घर पे चला रही थी। ऑनलाइन? ऑनलाइन मतलब जोमेटो से डिलीवरी? हाँ, जोमेटो से भी दोनों पर। वाह वाह, मतलब जोमेटो से भी डिलीवरी है। ये भाभी ने ऑर्डर जोमेटो पे चला रखा है। किस नाम से भाभी आपका जोमेटो पे ऑर्डर? मतलब फिरोजाबाद की जो पब्लिक है देखेगी, अगर ऑर्डर करना है तो आप बता सकते हैं किस नाम से आपका? बालाजी पिज्जा कैफे, बालाजी फास्ट फूड। इसी के नाम से है, मतलब बालाजी कैफे और बालाजी फास्ट फूड सेंटर के नाम से आपको जोमेटो स्विगी पे भी मिल जाएगा। तो आप ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी मंगाइए और मैं भी आपको टेस्ट करके रिव्यू देता हूँ कि कैसा है पिज्ज़ा, जिससे कि आप भी ऑर्डर कर सको। तो रेडी हो गया क्या पिज्ज़ा? हाँ, हमारा पिज्ज़ा रेडी होके आ गया है। वाह, काफ़ी क्रंची लग रहा है देखने में। ये क्या लगा दिया इसमें? इस पे ऑयल लगाते हैं क्योंकि हम खुद भी अपना बेस बनाते हैं ना। हाँ। तो इससे एक शाइनिंग आ जाती है, किनारियों में चमक आ जाती है। ऑयल लगा दिया शाइनिंग के लिए, साइडों के लिए। ऊपर से ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स आ गया है। तो गाइस पिज्जा रेडी हो चुका है लग के, बट मैं तो पिज्जा फुल ऑर्गेनो फुल चिली फ्लेक्स लेके खाता हूँ। तो पहले मैं इसको प्रॉपर सही रेडी कर लेता हूँ अपने स्टाइल में। तो अब इसे ट्राई करते हैं। ओवरलोडेड चीज है इसमें, गर्म है काफी।
मजा आ गया। चीज तो इतना बेहतरीन लग रहा है ना, आपने देखा वीडियो में चीज तो ओवरलोडेड था, तो उसी हिसाब से ओवरलोडेड चीज है। पिज्जा काफी बड़ा है, कभी हम सब खाने वाले हैं। जो टेस्ट किया ना भाभी ने, एकदम मौसम है, मजा आ गया। फुल लोडेड चीज है, चीज से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है, इतनी चीज डाल दी है ना कि बस मजा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सोहेबाद की पब्लिक देख रही है तो आप जोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हो। तो भाभी जरा आप अपना एड्रेस बता सकते हो, कस्टमर आता है तो कैसे खाएगा? तो आपको कभी भी खाना है तो ब्लू हेवन रिसोर्ट सामने है, इसके ठीक सामने भाभी का स्टॉल है बालाजी पिज्जा करके। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। मैंने आपको पिज्जा का रिव्यू दे दिया, काफी औसम था पिज्जा, और आपको भी टेस्ट करना है तो आइए। तो चलते हैं यार, रोड पर चलते हुए लोगों से भी रिव्यू ले लेते हैं पिज्जा का। पिज्जा काफी बड़ा है, मुझ पर खबर नहीं रहा पूरा, और मेरे को अपने मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को रिव्यू भी देना है कि रिव्यू कैसा है पिज्जा। तो आप कस्टमर हैं तो आप बता सकते हैं पिज्जा कैसा है, तो आप ट्राई करके देखिए। खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। कैसा लगा आपको पिज्ज़ा? मतलब मेरी ऑडियंस को आप बता दीजिए कि मतलब कि पिज्ज़ा कैसा है, जिससे कि वो भी आके खा सकें। फुल रिव्यू अपने मन से दे दीजिए आप मेरी ऑडियंस को। ऐसा पिज्ज़ा मैंने फरीदाबाद में खाया था, मतलब इन भाई ने फरीदाबाद के अंदर ऐसा पिज्ज़ा कभी नहीं खाया। तो गाइस मतलब पिज्ज़ा लाजवाब है, मैंने नहीं दूसरे भाई से भी रिव्यू दिलवा दिया है। तो आइए कभी फरीदाबाद और पिज्ज़ा ट्राई करिए, मस्त पिज्ज़ा, एकदम मज़ा आ जाएगा। इसमें 7 पीसेज हैं और 4 पीसेज तो मैं ही खा जाऊँगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें।